यात्रा का आरंभ प्रतीक है और इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को स्वावलंबन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही और दूरदर्शी वो व्यक्ति होता है जो अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले ही देख सकता है कि इसका अंत किस प्रकार है या किस प्रकार इसकी समृद्धता हमारे देश को और सशक्त कर रही है। ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्तित्व का नेतृत्व हमारे देश को मिला है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। लगभग 1,00,000 रोजगार का सृजन होगा और इस सृजनात्मकता की ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य जीवंत करने हेतु हम सभी लोग यहाँ एक दूसरे के साथ एकजुट हैं, इसका साक्षी बनेगा निसंदेह। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा होने वाले ये शिलान्यास 51,000 करोड़ के निवेश के उपहार मिलने वाले हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारी इस स्वागत कीजिएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रतिष्ठा और प्रताप के परिचालक श्री नरेंद्र मोदी जी। स्वागत को सत्कार देंगे। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए हैं, आज कहते हुए गर्व होता है। हम बचपन में कहते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे केवल भारत का नहीं, विश्व के कल्याण का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब पूरे दुनिया में भारत की जय जय हो रही है, मोदी मंत्र गूंज रहा है, हम सबका, देशवासियों का और देश का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है, इसलिए तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर उतर रहा था, उतरते हुए देखा सबने? अरे बचपन में हम कहते थे रूस भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रणाम और मोदी जी का वंदन और अभिनंदन। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, इसलिए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी। बीना और आसपास वालों, केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, अशोक नगर हो, गुना हो, सागर हो, ये बुंदेलखंड की धरती, ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का, और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी। और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह, नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दोने आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र साजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बक्सी, 16,500 करोड़ का निवेश,
तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, भावी जनता उपस्थित है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों 4,00,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसे एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20,00,000 एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, 20,00,000 एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 65,00,000 हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ताली बजा के एक बार फिर स्वागत कीजिए, आपका स्वागत और अभिनंदन। आप देश की सेवा करते रहे, हम आपके पीछे चलते रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बुंदेलखंड की ये धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। इस भूमि को बीना और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है और मुझे तो महीने भर में दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प कितने बड़े हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को सच करने वाली है। मैं बिना रिफाइनरी के विस्तारीकरण और अनेक नई सुविधाओं के शिलान्यास के लिए मध्य प्रदेश के कोटि कोटि जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। के किसानों, यहां के उद्योगों, यहां के नौजवानों, उनके लिए नए नए अवसर तैयार होने वाले। आने वाले 5 साल मध्य प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने के हैं।
आज जिन प्रोजेक्ट की नींव हमने रखी है ये मध्य प्रदेश के तेज विकास को और तेजी देंगे। इतनी बड़ी तादाद में आप विकास के इस उत्सव को मनाने के लिए आए, विकास के उत्सव में भागीदार हुए और आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।